ये तो उन लोगों की कहानी है जिन्होंने बुतों को पूजा और उनको वो प्रोटोकॉल देने लगे, वो ताजीम देने लगे, वो मोहब्बत देने लगे जो अल्लाह का हक है, जिसने पैदा किया है। देखें, मेरी औलाद है तो मेरी औलाद किसी को ताजीम दे तो मैं उसको गवारा करूँगा। आपकी औलाद ताजीम दे, गवारा करेंगे, लेकिन बाप वाली ताजीम किसी को दे तो वो तो आप गवारा नहीं करेंगे, मैं भी गवारा नहीं करूँगा, चूँकि ये तो अल्लाह ने मुझे और आपको एजाज़ दिया है ना। मेरी औलाद मेरे से ज़िद करके भी खिलौने मांग ले, कुछ चीज़ मांग ले, तो मैं ज़िद पूरी करूँगा और मुझे खुशी होगी, लेकिन मेरी औलाद किसी और से मांगे तो मेरी गैरत जागेगी कि ये तो मेरा हक था कि मेरी औलाद को मुझसे अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए सवाल करना चाहिए था, इसने किसी और से किया, तो मेरा रब भी गवारा नहीं करता कि मेरा बंदा हो किसी और की दहलीज पे जाए। कहा, तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अपने रब से मांगो, वो तुम्हें देने वाला है, तुम्हारी ज़रूरतों की तकमील करने वाला है, ये तुम्हारा रब गवारा नहीं करता। अल्लाह अकबर। हुजूर ने सवाल करने से मना किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी पे बैठे तो हाथ से कोड़ा गिर गया, तो आप घोड़ा खड़ा किया, नीचे उतरे, कोड़ा उठाया, फिर बैठे, तो किसी ने कहा कि ये आप फरमा देते, हम पकड़ के आपके हाथ में दे देते। कहा, हुजूर ने सवाल करने से मना किया। ये हैं वो लोग जो अमल करने वाले हैं और हम तो बातें करने वाले हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो अहले ईमान हैं वो अल्लाह को टूट के चाहते हैं, शदीद, बल्कि शदीद से आगे अशद है लफ्ज़, ये तलबा जानते हैं, इसमें तफजील है। जो अहले ईमान हैं वो अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत की जो आखिरी हद है, और यहाँ मोहब्बत में अशद का लफ्ज़ कह लिए, दूसरे लफ्ज़ों में इसको इश्क कह सकते हैं। जो अहले ईमान है वो रब से इश्क करते हैं, वो रब से टूट कर मोहब्बत करते हैं। अशद हुब्बा लिल्लाह, शदीद मोहब्बत नहीं, अशद मोहब्बत। अशद मोहब्बत से आगे तो कोई दर्जा ही नहीं है, तो वो कितनी मोहब्बत करते हैं तभी तो जाने वार देते हैं, उसके नाम पर, उसके हुक्म पे गर्दनें कटवाते हैं। यह है शदीद मोहब्बत का रूप। उसका हुक्म हुआ जैसा हुआ। ज़रा देखिए, ये कितने लोग हैं। आप कोई शहर से आया है, कोई देहात से आया है, कोई दूसरे शहर से आया है, कोई गलियों से निकल के आ गया है, तो ये क्यों भागे भागे आ रहे हैं? आजकल तो किसी के पास 10 मिनट नहीं है। तो आप कहेंगे, जुमा है, रब का बुलावा है, आगे यहाँ मैं चाहूँ तो 1 घंटा गुफ्तगू करूँ, आधा करूँ, आप बैठे रहेंगे, फिर चले जाएंगे। अभी घर जाके कमर सीधी नहीं होगी तो फिर मस्जिद से बुलावा आएगा, आप फिर भागे चले आएंगे। तो वो मालिक इस मोहब्बत की लाज रखने वाला है। यार, अल्लाह से मोहब्बत बहुत बड़ी दौलत है। आज अल्लाह से मोहब्बत हम भूल गए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत है, ये बात जहन में रखिएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई शख्स हुजूर की मोहब्बत की नफ़ी कर दे अल्लाह की मोहब्बत का नाम लेकर, जिस तरह के एक फ़िक्र ऐसी भी मौजूद है। लेकिन दूसरी जानब भी कुछ ऐसी सूरतें उतर गई हैं कि हुजूर की मोहब्बत उसका नाम लिया जाता है और अल्लाह की मोहब्बत बतदरीज दिलों से उस तरह से ख़त्म कर दी गई है। अहले ईमान अल्लाह से टूट के मोहब्बत कर, तताजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ, और अल्लाह की मोहब्बत की वजह से रातों को उनकी करवटें बिस्तरों से अलग रहती, वो खौफ और तमा में रब को पुकारते, कभी कयाम में, कभी सुजूद में, कभी रुकू में, कभी तस्बीह करते हुए, कभी तहलील के तराने पढ़ते हुए, उसका मुबारक नाम लेते हुए, तो उसके ज़िक्र से उसकी मोहब्बत का इजहार होता है। नमाज पढ़ो तो डूब के पढ़ो, सजदा करो तो डूब के पढ़ो, गोया तुम अपने मालिक की दहलीज पर अपना सर रख दिया है, और पूरी तनदही के साथ उसके हुज़ूर सजदा रेजियाँ करो, चूँकि वो हमारा खालिक है,